सत्य और झूठ का संघर्ष अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा न कभी इसका आरंभ हुआ और न कभी अंत होगा बहुत से लोग इसी तनाव में जीते हैं और दूसरों का तनाव भी बढ़ाते रहते हैं कि संसार में ये दुर्घटना हो गई वह दुर्घटना हो गई बड़े बड़े राजा मंत्री आदि लोग दुष्ट हैं अत्याचारी हैं वे मानवता का नाश करना चाहते हैं भले ही आपकी बात सत्य है परंतु ये कोई नई बात नहीं है ये संसार पहले भी ऐसा ही था आज भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा जिसको भी जब भी यहाँ अवसर मिलता है वह अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है दूसरे व्यक्ति को लूटने का प्रयत्न करता है ऐसा क्यों होता है इसलिए कि जिस प्रकृति से बने संसार में आप और हम जी रहे हैं उस प्रकृति में दो तिहाई भाग खराब है केवल एक तिहाई भाग ही ठीक है अर्थात इस प्रकृति में तीन प्रकार के सूक्ष्मतम कण हैं। जिनके नाम है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण सुख देता है रजोगुण दुख देता है और तमोगुण मूर्ख बनाता है तो आपने देख लिया इन तीनों में से अच्छा केवल एक ही है सत्वगुण जो सुख देता है बुद्धि को ठीक चलाता है बाकी दो तो भ्रष्ट करने वाले हैं, अर्थात दुख देने वाले हैं एवं मूर्ख बनाने वाले हैं इस कारण से संसार में भ्रष्टाचार अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा ये रुकने वाला नहीं है तथा संसार की घटनाओं को देखकर आप अधिक चिंता न करें अधिक विचलित न हो और न ही दूसरों को डराए बस आप इतना ही कर सकते हैं कि सबसे पहले अपना बचाव करें अपने काम क्रोध लोभ अभिमान आदि दोषों पर नियंत्रण करें और फिर सेवा नम्रता परोपकार दान दया इत्यादि उत्तम गुणों को धारण करके दूसरों की भी यथाशक्ति सहायता करें आशावादी बने निराशावादी नहीं जो लोग आपसे लाभ लेना चाहते हो उनको लाभ पहुंचाएं। जो लोग आपसे लाभ लेना नहीं चाहते उन्हें छोड़ दें। ये सत्य और झूठ का संघर्ष अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा इस संघर्ष की बातें अधिक सुनाकर दूसरे लोगों का और अपना तनाव न बढ़ाएं। स्वयं भी शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दें जब तक आप इस संसार में हैं तब तक ये संघर्ष चलेगा आप चाहे झूठ के मार्ग पर चले चाहे सत्य के मार्ग पर संघर्ष तो करना ही होगा तो फिर सत्य पर ही क्यों न चले यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेगे तो एक दिन आप संघर्ष में जीत जाएंगे उसके बाद जो आपको शांति संतोष व आनंद होगा वो संसार में कहीं भी नहीं मिलता उस आनंद की प्राप्ति के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना ही चाहिए स्वामी विवेकानंद परिवराजक निदेशक दर्शन योग महाविद्यालय रोजर गुजरात